हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारा नया चैप्टर, जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर को करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हमें सीखनी पड़ेगी, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारी जो टर्म आती है वो होती है पार्टिकल। आप देखिए, सबसे पहले पार्टिकल क्या होता है। अ पार्टिकल इज ए पोर्शन ऑफ मैटर विच इज इनडेफिनेटली स्मॉल इन साइज विदाउट लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस। यानी कि कोई पार्टिकल क्या होता है, किसी भी मैटर का पोर्शन होता है, यानी सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी चीज का। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में कहे, जो सबसे छोटी थिंग होती है वो क्या होती है, पॉइंट होती है। जब हम पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन लेने लगते हैं तो उससे क्या बन जाती है, लाइंस बन जाती है। इसी तरीके से जो हम यहाँ पर जो शो करते हैं पार्टिकल को मैथमेटिकली, हम किससे शो करते हैं, किसी पॉइंट से शो करते हैं। तो मैथमेटिकली कहे या हम साइंटिफिकली कहे, तो पार्टिकल क्या होता है, पोर्शन होता है किसी भी मैटर का, जो कि इतना स्मॉल होता है साइज के अंदर, जिसकी ना तो कोई लेंथ होती, ना ही ब्रेड्थ होती और ना ही कोई थिकनेस होती है। देखिए, उसके बाद पार्टिकल से दूसरी जगह पर हम जाते हैं, फिर हमारे पास होता है मैटर। मैटर क्या चीज होती है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इज फेल्ट बाय आवर सेंसेस। यानी कि मैटर कोई भी चीज हो सकती है जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, और ये हमारी सेंसेस से हम क्या कर सकते हैं, इसे फील कर सकते हैं। जैसे एयर है, एयर भी क्या है, एयर ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। जैसे हमारा वाटर है, वाटर भी ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, या कोई और चीज है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती है, या हम खुद भी हैं। हम खुद क्या है, मैटर से बने हुए हैं, यानी कि क्योंकि हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिन जिन एलिमेंट्स से हमारी बॉडी जो बन रही है, जो बॉडी बन रही है वो क्या कर रही है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, यानी कि ये मैटर के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। मैटर के बाद आता है मास। मास क्या होता है, देखिए, मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर, बॉडी किससे बनती है, मैटर से, तो मैटर की कितनी क्वांटिटी यूज हुई है तो बॉडी को बनाने में, तो वो जो क्वांटिटी है हमारी वो मास कहलाती है। और मास के बाद आती है हमारी नेक्स्ट टर्म जो हम यूज करेंगे चैप्टर में, मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज होती है, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय दी बॉडी। मोमेंटम क्या होगा बॉडी का, वो क्वांटिटी है मोशन की, जो यानी कि जो मोशन कोई बॉडी बॉडी मोशन में है, तो कितने कितने मोशन में है, उस मोशन की क्वांटिटी कितनी है, तो उसकी अगर हम मेजरमेंट करते हैं, जो कि इस फार्मूले से की जाती है, मास इनटू वेलोसिटी। यानी कि जो हमारी बॉडी का मास है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे जो हमारी बॉडी की वेलोसिटी है उससे, तो जो क्वांटिटी आती है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होता है, हमारा फार्मूला है जो हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, वो क्या रहेगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और सिंपल अगर लैंग्वेज में कहे तो व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम क्या होती है, जो हमारी बॉडी का मोशन है, जो हमारी बॉडी ने मोशन अचीव किया है, उसकी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, फोर्स। फोर्स क्या चीज है, ए फोर्स इज एन एक्शन एक्शन एजेंट ए पुल और पुश विच एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स कुछ एक एक्शन है, यानी कि फोर्स में हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, या तो पुल करते हैं किसी चीज को या पुश करते हैं, जिससे क्या होती है, बॉडी जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, यानी कि रेस्ट की पोजीशन में है, तो वो मोशन में चली जाएगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में है तो वो क्या, या फिर वो क्या करेगी, चेंज होगी उसकी स्टेट ऑफ मोशन। देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर कोई बॉल रखी हुई है वो रेस्ट की पोजीशन में, और अगर मैं उसे किक करूंगा तो इट मींस वो किस में चली जाएगी, मोशन में चली जाएगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया है। अब दूसरा एग्जांपल, अगर हम कहे जब कोई कार चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर मैं एक्सीलरेट करता हूँ कार को और ज्यादा,
तो इससे क्या होगा, कार की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, यानी कि वो मोशन करने की सिचुएशन भी बदलेगी। और अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ तो वो क्या होगा, वहां पर फोर्स, यानी कि जो फोर्स है मैंने ब्रेक की फॉर्म में लगाया है, तो गाड़ी उससे क्या होगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक भी जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज जो रेस्ट की पोजिशन में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, और अगर कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन की पोजिशन में है तो उसकी हम पोजिशन को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। अब देखिए फोर्स जो होते हैं, हमारे दो तरह के फोर्सेज होते हैं जो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। एक हमारा होता है इंप्रेस्ड फोर्स। इंप्रेस्ड फोर्स किसे बोलते हैं, द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग अपॉन अ बॉडी आर कॉल्ड द इंप्रेस्ड फोर्स। द म्यूचुअल फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर कॉल्ड द इंटरनल फोर्सेज। देखिए जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं वो हमारा इंप्रेस्ड फोर्स है, और जबकि म्यूचुअल फोर्सेज किसे बोलते हैं, जहां पर एक्शन और रिएक्शन की बात आ जाती है। ये अभी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जो तीन लॉ दिए थे न्यूटन्स ने, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लास्ट लॉ में ये बात आती है कि एक्शन और रिएक्शन के फोर्स का क्या मीन्स होता है। तो देखिए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमारा व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय इंप्रेस्ड फोर्सेज टू चेंज दैट स्टेट। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो अभी मैंने आपको बताई फोर्सेज की डेफिनेशन के अंदर, वही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि कोई भी बॉडी जो है रेस्ट की पोजीशन में अगर है तो वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में है या स्टेट में है तो वो उसी स्टेट में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर देते। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, और जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इसका सेकंड नेम है लॉ ऑफ इनर्शिया, कई बार एग्जाम में वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ना कहकर लॉ ऑफ इनर्शिया पूछ लेता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वही हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है। अब देखिए हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंप्रेस्ड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज है मोमेंटम का, अभी मैंने आपको मोमेंटम बताया था कि मोमेंटम क्या चीज होती है, मोमेंटम इक्वल होता है किसके, मास इनटू वेलोसिटी के। तो जो मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंप्रेस्ड फोर्स के, यानी कि जो फोर्स हमने लगाया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज। इट और हमेशा जो ये मोमेंटम है वो टेक यानी कि टेक्स ले यानी कि काम करता है, ये किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स में, यानी हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन में ही हमारा मोमेंटम काम करता है, यानी कि जो हमारी जो मोशन की स्टेट में बॉडी आएगी वो उसी 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 डायरेक्शन में आएगी जिस डायरेक्शन में इंप्रेस्ड फोर्स अप्लाई किया गया है। तो दिस इज कॉल्ड दी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में एक बात और हमें प्रूव करनी है कि जो इंप्रेस्ड फोर्स होता है, इस फार्मूले का हम बार बार यूज करेंगे, वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। अभी मैं बाकी सारे एग्जांपल कॉपी पर आपको समझाऊंगा, लेकिन ये एग्जांपल मैं यही समझा रहा हूं आपको, और ये एग्जाम में आ भी सकता है कि प्रूव करके दिखाइए कि जो इंप्रेस्ड फोर्स होता है दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब देखिए इंप्रेस्ड फोर्स, अभी हमने सेकेंड लॉ से बताया, हम लिखेंगे बाय सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इंप्रेस्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पे P यानी कि इंप्रेस्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, D/dt, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हमने यहाँ लिख दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंप्रेस्ड फोर्स के। अब आपको पता है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है और इक्वल टू का लगाया जाता है तो राइट हैंड साइड को हम एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया और यहां पर आ गया आपका D/dt MV as it is। अब देखिए यहां पर
मास तो एक फिक्स क्वांटिटी होती है यानी कांस्टेंट होती है, वो हमने बाहर ले ली, और आप डेरिवेटिव किसका करेंगे, वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या आ जाएगा, के एम डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी किसको शो करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का, किसको चेंज शो करता है, एक्सिलरेशन को। तो यानी ये क्या बन गया हमारा, एक्सिलरेशन को हम नोटेशन क्या नोटेशन दी हमने शुरू से ही, एफ की नोटेशन दे रहे हैं हम बार बार। तो यानी ये बन गया हमारा के एम एफ, यानी कि इंप्रेस्ड फोर्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू में मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब लेकिन यहां हम एक पर्टिकुलर केस लेते हैं के की वैल्यू निकालने के लिए, कि अगर हमारा इंप्रेस्ड फोर्स 1 यूनिट हो, एक्सेलरेशन 1 हो और मास भी 1 यूनिट हो, तो के की वैल्यू 1 आएगी, जिसकी वजह से पी किसके इक्वल हो जाता है हमारा, तो हमारा जो पी होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके यहाँ पर, मास इंटू एक्सेलरेशन के, k की वैल्यू 1 पुट करने पर। तो दिस इज कॉल्ड दी इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यानी इंप्रेस्ड फोर्स निकालने के लिए, कि वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, इसे हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। अब देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा, व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अब हर एक्शन के ऊपर इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ। देखिए जब भी हम कोई बॉक्स प्लेस करते हैं किसी टेबल के ऊपर, तो क्या होता है, देखिए जो बॉक्स है वो प्रेस करेगा किसे, टेबल को। क्यों प्रेस करेगा, क्योंकि वहां पर अर्थ की ग्रेविटी काम करेगी, और जो अर्थ ग्रेविटी है वो हमेशा किसी भी चीज को सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यानी कि जो वहां पर फोर्स लगेगा वो mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो टेबल है वो भी प्रेस करेगी ऊपर की तरफ किसको, जो हमने बॉक्स रखा है उसे, यानी कि वहां नॉर्मल रिएक्शन होगी। और अब ये, लेकिन ये जो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन हो रही है, और जो ये नीचे अट्रैक्शन हो रहा है मास इनटू ग्रेविटी की फॉर्म में, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये अपोजिट रिएक्शन, यानी कि एक एक्शन हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो इसे ही हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो क्या रहती है, सस्टेन रहती है, यानी कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहती है। हम भी जो चलते फिरते हैं अर्थ के ऊपर जो हम देखते हैं, तो वो भी हमारा जो केस है वो किसका है, एक्शन और रिएक्शन का केस है। तो ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ये छोटे क्वेश्चंस थे हमारे पेपर जो एग्जाम में आ जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स थे, और ये हमें हेल्पफुल होंगे आगे क्वेश्चंस को समझने में। अब देखिए कुछ यूनिट्स का यूज करते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो यूनिट्स कौन कौन सी है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स जो है हमारी कौन कौन सी है, हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड सिस्टम, एक होता है CGS सिस्टम, और एक होता है हमारे पास FPS सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म होती है, जिसे स्टैंडर्ड इनपुट सिस्टम हम बोलते हैं। इसमें क्या होती है, ये हमारी मीटर किलो किलोग्राम सेकंड, यहाँ पर ये होती है हमारी सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, और ये होता है फुट पाउंडल सेकंड। तो देखिए सबसे पहले जो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स जो जो होती है, हम डिस्प्लेस जब भी कोई भी पार्टिकल डिस्प्लेस होता है या बॉडी डिस्प्लेस होती है, तो अलग अलग सिस्टम में किस किस तरीके की यूनिट हम यूज करते हैं। तो ये हम यूज करते हैं SI सिस्टम में मीटर, CGS सिस्टम में सेंटीमीटर, और FPS सिस्टम में फुट। ये इसी तरीके से मैंने मास की दी हुई है, इसी तरीके से टाइम, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स की दी हुई है। देखिए सबसे जो हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे, फोर्स की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है, और CGS सिस्टम में डाइंस है, और FPS सिस्टम के अंदर ये क्या है, हमारी पाउंडल्स है। लेकिन ग्रेविटेशनल जो यूनिट्स है फोर्सेस की, वो कौन कौन सी होती है, किलोग्राम वेट, यहाँ पर ग्राम वेट, और यहाँ पाउंड वेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम kg वेट लिख देते हैं, gm वेट लिख देते हैं, और lb वेट लिख देते हैं। और इन दोनों में क्या रिलेशन है, जो हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे, किलोग्राम वेट से न्यूटन में जाने के लिए और न्यूटन से किलोग्राम वेट में जाने के लिए, तो जो 1 kg वेट होता है वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। और अगर हम ये कहें, वो रिवर्स कहें, कि 1 न्यूटन जो होता है वो 1/9.8 kg वेट के इक्वल होता है। इसी तरीके से ग्राम वेट में और जो डाइंस में जो रिलेशन होता है, 1 ग्राम जो वेट होता है वो 981 डाइंस के इक्वल होता है, और 1 डाइन जो होता है वो 1/981 ग्राम वेट के इक्वल होता है। इसी तरीके से 1 LBS
वेट 32 पाउंडल्स के इक्वल होता है, और 1 पाउंड जो होता है वो 1/32 LB है, LB वेट के इक्वल होता है। ये सब यूनिट्स हम बार बार यूज करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर बार बार आएंगी ये। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और कुछ देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें हम यूज करेंगे बार बार, जब हमें वेलोसिटी माइल पर आवर में दी होगी, माइल पर आवर में, इसको शॉर्ट फॉर्म में MPH लिखते हैं, तो यानी v वेलोसिटी है अगर किसी पार्टिकल की v माइल पर आवर, तो उसको हम फीट पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। और उसके लिए क्या किया जाता है, उसको 22/15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जो वेलोसिटी हमें माइल पर आवर में दी हुई है। इसीलिए इसी तरीके से अगर फीट पर सेकंड में हमें दी हुई है तो उसे माइल पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी जो फीट पर सेकंड में दी हुई है उसको 15/22 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से मास, अगर देखो मान लो वी अब हमारा मास है वो टन में दिया हुआ है, तो उसको एलबी वेट में कन्वर्ट करने के लिए, LBSB लिख देते हैं हम सिंपल, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 2240 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और एलबी वेट में, 1 LB वेट जो होता है वो 32 पाउंड्स के इक्वल होता है क्योंकि, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसे जो ये LB वेट आया है इसको 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउंडल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी का उल्टा भी कर सकते हैं जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो इन सब चीजों का हम बहुत यूज करेंगे सभी क्वेश्चंस के अंदर, तो ये एक बार आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर समझ लेनी है। पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो याद रखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में ये रिजल्ट्स कहीं पर भी यूज हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है, V इज इक्वल टू यू प्लस एफ इंटू टी, जहाँ यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकालने का जो फार्मूला है हमारा, वो किसके इक्वल होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इंटू में टाइम। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो निकालने का फार्मूला है, एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो जो हमारा एस निकालने का फार्मूला है वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इंटू में टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू स्क्वेयर ऑफ टाइम। इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी का स्क्वेयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वेयर जो इक्वल होता है वो 2 इंटू में एक्सेलरेशन 2 FS, यानी कि 2 इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ये सब रिजल्ट्स आप पहले पढ़ भी चुके हैं, कई बार पढ़कर आ चुके हैं, ये सब मैंने मेंशन भी कर दिया है। यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है, एस डिस्प्लेसमेंट है, एफ एक्सेलरेशन है, और टी हमारा टाइम है। तो देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए आपको ये गिवन है, फाइंड द यूनिफॉर्म फोर्स दैट विल मूव 1 kg मास फ्रॉम रेस्ट थ्रू 1 m इन 1 सेकेंड। तो हमें यूनिफॉर्म फोर्स निकालना है, यानी कि फोर्स बताना है कि कितना यूनिफॉर्म फोर्स होगा जो 1 kg मास को रेस्ट की पोजीशन से 1 m के डिस्टेंस पर 1 सेकेंड में क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो अब ये देखिए, आपको ये देखना होता है यहाँ पर क्या क्या गिवन है और वहाँ से हम किस तरीके से चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको एक तो मास गिवन है 1 kg है, तो यानी हमारा एम जो है, आपको एम जो है वो कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 1 kg। दूसरा देखिए, उसने ये कहा है हमें कि रेस्ट की पोजीशन से 1 m डिस्टेंस कवर करवाना है हमें 1 सेकेंड में, तो एस जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 m है, और जो हमारा टाइम है टी वो कितना है, 1 मिनट है, 1 सेकेंड है, सॉरी 1 सेकेंड है। और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है जो हमारी, इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी है वो कितनी है, 0 है, क्योंकि हमें उसने कहा है कि हमें रेस्ट की पोजीशन से, कोई भी चीज़ अगर रेस्ट की पोजीशन में हो तो यानी इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो यानी कि 0 m/s हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। और हमें फोर्स बताना है कि कितना फोर्स लगेगा, यूनिफॉर्म फोर्स, जिससे कि हम ये काम कर पाए। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको हम सपोज कर लेते हैं, लेट वी बी दी फाइनल वेलोसिटी, कि हमने सपोज कर लिया कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 2 m/s है, 2 m/s बी दी
फाइनल वेलोसिटी। अब आप ये देखिए, अब जो फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे उसमें से कौन सा हमारे लिए ज़्यादा मतलब कि यूजफुल रहेगा यूज करना। तो देखिए, हमें पता है कि जो इम्प्रेस्ड फोर्स का जो फार्मूला होता है, इम्प्रेस्ड फोर्स जिसे हम पी लिखते हैं, इम्प्रेस्ड फोर्स का जो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए, इम्प्रेस्ड फोर्स जो होता है जिसे हम पी से डिनोट करते हैं वो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, और हमें ये इम्प्रेस्ड फोर्स ही निकालना है। तो अब आप यहाँ देखिए, हमें मास दिया हुआ है कि हमारा मास 1 kg है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं दी हुई। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें जो ऊपर तीन तीन जो हमें फार्मूले दिए गए थे, जो मैंने आपको अभी बताए थे, तो उनमें से हमें ये देखना होता है हमें किस चीज़ का यूज करना है। अब उससे पहले आप ये देखिए आपको क्या क्या दिया है और आपको क्या निकालना है। देखिए, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है एफ, और आपको देखो क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। तो जिसके जिस फार्मूले में यू टी एस और वी का यूज हो रहा है, यू वी एस टी का, तो देखिए वो फार्मूला सिर्फ एक ही है, ये, यानी कि वैसे भी डिस्प्लेसमेंट वाला जो जिसमें यूज होती है एस, वो एक ही फार्मूला है। तो जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट दी होती है तो हमें उस फार्मूले का यूज करके जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर, आप सबकी वैल्यू पुट करें तो एस की वैल्यू 1 दी हुई है, इनिशियल वैल्यू 0 है, वेलोसिटी की टी टाइम 1 है, 1/2, और अगर आपको जो एक्सेलरेशन है वो हमें निकालनी है, और टी जो है हमारा टाइम हमें 1 का स्क्वेयर करना है, तो 1 यहाँ पर, तो 1 इक्वल टू 1/2 एफ आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपकी वैल्यू एफ इज इक्वल टू 2 m/s² आ जाएगी। तो ये हमारी यहाँ से f की वैल्यू आई, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है p वाले फार्मूले में, इसके अंदर हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, तो मास हमारा 1 kg था, और जो हमारा एक्सेलरेशन आई है वो 2 आई है, यानी 1 × 2 N जो है हमारा इम्प्रेस्ड फोर्स आ जाएगा, जो कि हमारा इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा था लेट एवी मीटर पर सेकंड बी दी फाइनल वेलोसिटी, हालांकि हमें यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और हमें लिखना चाहिए था एंड एफ बी दी एफ मीटर पर सेकंड स्क्वेयर बी दी एक्सेलरेशन। तो ये हमने एक्सेलरेशन लेनी थी क्योंकि इसका हमें यूज करना था। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था आपकी बुक का जो मैंने किया। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सारे एग्जांपल बहुत सिंपल सिंपल है। अब देखिए एग्जांपल 2, देखिए एग्जांपल 2 में आपको क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। तो देखिए, यहां पर आपको दिया हुआ है ए बॉडी ऑफ मास 25 grams, जो मास दिया हुआ है बॉडी का वो 25 grams दिया हुआ है, इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, और उसके ऊपर कोई कांस्टेंट फोर्स क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। इट अक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 2 cm/s, और जो वेलोसिटी अक्वायर करती है ये 2 cm/s करती है 5 seconds में फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट की पोजिशन से 5 seconds बाद जो ये वेलोसिटी है हमारी वो कितनी ले लेती है, ये 2 cm/s। तो देखिए, जब भी रेस्ट की पोजीशन है इसका मतलब वहाँ इनिशियल वेलोसिटी की बात होगी, यानी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दी हुई है, और फाइनल वेलोसिटी जो दी हुई है वी, वो आपको 2 cm/s दी हुई है। तो फाइंड हाउ लार्ज इज द फोर्स एक्टिंग, यहाँ भी हमें फोर्स बताना है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी हमें इम्प्रेस्ड फोर्स निकालना है। तो अब देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखें, आपको इस क्वेश्चन में मास गिवन है, आपको 25 grams मास गिवन है आपको, और आपको जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 दी हुई है, और जो सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है, अब हमें ये ध्यान रखना है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 2 cm/s दी हुई है, 2 cm/s ये आपको गिवन है, और आपको यहाँ से
फोर्स निकालना है। तो फिर दोबारा देखिए, यहाँ पर अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन की मुझे जरूरत पड़ेगी। मास आपको गिवन है 25 ग्राम, लेकिन एक्सेलरेशन आपको नहीं गिवन है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप देखिए, फिर हमें उन तीन फार्मूलों में से कोई फार्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए, गिवन सिचुएशन के हिसाब से हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एक हमें टाइम गिवन है। टाइम कितना दिया हुआ था हमें, 5 सेकंड गिवन था इसके अंदर, इस एग्जांपल के अंदर। तो अब यहां से देखिए, हम किसका यूज करेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया है, और हमें एफ निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो यहां आप लिखेंगे लेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां देखेंगे आप, सारा काम सेंटीमीटर में चल रहा है और पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। मास जो है किलोग्राम की बजाय ग्राम में दिया हुआ है। जब ग्राम ग्राम और किलोग्राम में और सेंटीमीटर में दिया होता है, तो जो हमारा फोर्स होता है वो न्यूटन्स की बजाय किस में आ जाता है, डाइन्स में आ जाता है। तो अब यहां पर देखिए आप, आपकी फाइनल वेलोसिटी 2 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एफ हमारे को निकालना है, टी हमें कितना दिया हुआ है, यहां पर टी हमें 5 दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है। अगर यहां से हम एफ निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2/5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और अब इस फार्मूले में हम इसको यूज करेंगे तो एफ की जगह तो 2/5 मैं यूज करूंगा, 5 5 जा 25, यानी कि 5 2 जा 10, जो डाइन्स है हमारा इम्प्रेस्ड फोर्स होगा इस एग्जाम्पल के अंदर। तो हमें ये देखना होता है क्या चीज़ गिवन है और क्या निकालनी है। तो इस एक्सरसाइज में सारी में हमारा लगभग यही फार्मूला चलने वाला है। देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, आपको यहां पर ये गिवन है, देखिए ए बॉडी ऑफ मास 150 kg, बॉडी जो मास है हमें बॉडी का वो गिवन है, मास ऑफ द बॉडी यानी एम आपको गिवन है, ये कितना गिवन है, 150 kg गिवन है। उसके अलावा देखिए, इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है, 5 न्यूटन, यानी कि पी इंप्रेस्ड फोर्स 5 न्यूटन गिवन है हमें, फॉर 15 मिनट, यानी टाइम दिया हुआ है हमें 15 मिनट। 15 मिनट को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो यानी कि 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 900 सेकंड आ जाएगा। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। तो हमें ये उसने कहा है कि जो पार्टिकल स्टार्ट होता है रेस्ट से, यानी कि हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 0 0 मीटर पर सेकंड दी हुई है, और हमें फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए, पहले हम जो तीन फार्मूले होते थे उनमें से किसी एक का यूज करके एफ की वैल्यू निकाल रहे थे, एक्सेलरेशन की, उसका यूज करके हम पी निकालते थे। अब यहां पर हमें पी पहले से ही गिवन है, यानी ये अभी ये फार्मूला हमें पहले यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल थर्ड हम कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर हमें इस फार्मूले का पहले ही यूज करना पड़ेगा। तो आप यहां लिखेंगे पी जो होता है वो एम इंटू एफ के इक्वल होता है, तो पी आपको 5 गिवन है, मास जो है वो 150 दिया हुआ है, एफ यहां से निकलेगा तो हमारा यानी एफ आपका आ जाएगा 5/150, यानी कि 5 1 जा 5, यहाँ पर 1/30 m/s² जो हमारा है वो एक्सेलरेशन आ जाएगी। हमें वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। जो मैंने तीन फार्मूले आपको शुरू में लिखवाए थे उनका यूज करके, अब यहाँ पर 0, एफ आपको दिया हुआ है 1/30, टाइम आपको दिया हुआ है 900, ये अभी आपने निकाला था ऊपर, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 30 m/s, ये आपकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि 150 kg के मास को के ऊपर जब अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो 15 मिनट के बाद जो वो
पार्टिकल है जिसके ऊपर, जो बॉडी है जिसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकेंड होगी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर हम फोर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फोर में देखिए आप, सारे एग्जाम्पल एक ही जैसे हैं, इसके आपने ये ध्यान रखना है यहां पर। देखिए यहां पर गिवन है आपको ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ है कितने न्यूटन का है, 150 न्यूटन का, एक्ट्स करता है ऑन ए बॉडी ऑफ मास 15 kg। तो मास आपको 15 kg दिया हुआ है, ये मैं बाद में लिखूंगा, अब ध्यान रखना है आपने। तो मास 15 kg दिया हुआ है, फोर्स आपको कितना दिया हुआ है, 150 न्यूटन दिया हुआ है, और 5 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है। एंड देन सीजिज, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट इन 2 मिनट्स? तो देखिए क्वेश्चन समझिए, वो ये कह रहा है कि हमने किसी बॉडी के ऊपर जिसका मास 15 kg है, उसके ऊपर हमने 150 न्यूटन का जो फोर्स है वो क्या किया है, अप्लाई किया है, कितने मिनट तक, 5 मिनट तक, और उसके बाद उसको सीज हो जाता है, वो छोड़ दिया जाता है। तो वो कह रहा है कि तो यानी कि जब हम 5 मिनट तक उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जरूरी है कि वो हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, बदलेगी, चेंज होगी। तो यहां पर वो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट इन 2 मिनट्स। अब जो बॉडी फोर्स लगाने की वजह से पहले रेस्ट में थी, हमने कुछ फोर्स यहां पर ये 150 न्यूटन का उसके ऊपर अप्लाई किया, इस बॉडी के ऊपर जिसका मास 15 kg था, 5 मिनट के बाद वो कुछ नई वेलोसिटी ले लेगी, आपको पता है, जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में किया था। तो वो ये कह रहा है कि अब हम उसके ऊपर कितना फोर्स दोबारा से लगाएं कि वो बॉडी 2 मिनट के अंदर रेस्ट पे आ जाए। तो दो केस है, एक बार हमें पहले फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर फाइनल वेलोसिटी को यूज करके हम ये निकालेंगे कि हमें कितना फोर्स अप्लाई करना है जिससे कि वो दोबारा से किस पोजीशन में आ जाए, रेस्ट की पोजीशन में आ जाए। तो अब आप यहां पर देखिए, पहले आपको यहां पर दिया हुआ है केस वन की, अगर मैं यहां पर बात करूं, केस वन देखिए, केस वन के अंदर आपको जो फोर्स दिया हुआ है, इम्प्रेस्ड फोर्स, वो दिया हुआ है 150 न्यूटन, और जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 15 kg, और जो आपको टाइम दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5 मिनट। 5 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकंड में, यानी कि 300 सेकंड्स। अब आप यहां से देखिए, पी गिवन है आपको, पी आपको पता है किसके इक्वल होता है, एम इन टू एफ के इक्वल होता है हमारा पी। पी यानी कि 150 गिवन है, एम आपको 15 गिवन है, एफ हमारा यहां से निकलेगा, तो 150/15 यानी कि 10 न्यूटन जो है हमारा, वो क्या आ जाएगा यहां से, फोर, यहां से हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई। अब हम वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है रेस्ट की पोजीशन पर, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड। अब तो ये 0 है, और यहाँ पर 10 इंटू में टाइम आप लगाएंगे 300, यानी कि ये बन जाएगा 3000 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये आपने ये निकाला कि जब हमने 15 kg के मास पर इतना फोर्स अप्लाई किया, तो 5 मिनट बाद जो बॉडी के ऊपर जो वेलोसिटी काम कर रही होगी वो इत 3000 मीटर पर सेकंड काम कर रही होगी। अब वो ये कह रहा है कि दूसरा केस इसी के अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस केस में अब वो क्या कह रहा है, अब आपके पास वेलोसिटी है, यानी कि जो ये फाइनल वेलोसिटी है, अब ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी बन गई दूसरे केस के लिए। अब वो कह रहा है कि जब हम इस सिचुएशन में हैं कि जिस समय हमारी जो बॉडी के ऊपर जो जो वेलोसिटी है इतनी काम कर रही है, यानी कि यू जो है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, अभी ये जो फाइनल वेलोसिटी थी पहले केस की, दूसरे केस के लिए क्या बन गई, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी बन गई, और हमें बॉडी को क्या करना है,
रेस्ट की पोजीशन में लेकर आना है। तो अब वो ये जानना चाह रहा है आपसे कि हमें कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी, कितना फोर्स हमें जरूरत होगा यहाँ पर, कितने फोर्स की जरूरत होगी। तो अब यहाँ पर देखिए, यू आपको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, और आपको टाइम दिया हुआ है। टाइम आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2 मिनट। 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 × 60 कितना आ जाएगा हमारा, 120 सेकेंड्स आ जाएगा दूसरे केस के लिए। अब यहां से देखिए, आपके पास V है, U है, T है, तो अब फिर आप दोबारा से यहां पर देखिए, V जो होता है वो किसके इक्वल होता है, U प्लस FT के इक्वल होता है। अब यहां पर दूसरे केस की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर U आपका 3000 है और ये आपका 0 है, और प्लस F हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, और T आपका 120 है। तो यहाँ से आप देखिए, आपका जो F आएगा वो कितना आएगा, -3000 बाय में 120 आएगा, यानी कि इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये आपका आएगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर विद नेगेटिव साइन। देखिए, नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है, ये नेगेटिव वैल्यू हम यूज नहीं करेंगे, यानी हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव आई है। अब आप खुद ही समझिए इस बात को, जब भी कोई चीज रेस्ट में है और हम उसको के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं कि जिससे वो क्या करे, मोशन में आ जाए, तो उसमें वहां पर जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन जब कोई चीज चल रही है, यानी वो खुद पहले से मूविंग पोजीशन में है, मोशन में है, और उसको हम रेस्ट की पोजीशन में लाना चाहते हैं, तो यानी कि एक्सेलरेशन हमारी कैसे काम करेगी, नेगेटिव काम करेगी ना, तभी तो हमारी जो बॉडी है वो किस में आएगी, रेस्ट की पोजिशन में आएगी। तो यहां पर सिर्फ ये दिखा रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, माइनस हो रही है। जब एक्सेलरेशन जो नेगेटिव होती है, तो इसे हम एक्सेलरेशन की बजाय वर्ड यूज कर लेते हैं, रिटार्डेशन, यानी कि ये रिटार्डेशन हो रही है हमारी। एक्सेलरेशन का कम होना क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। यानी कि अब हमारा जो एक्स जब हम फोर्स जो फोर्स अप्लाई करेंगे, वो हमें बताना है कितना फोर्स अप्लाई करेंगे उस जो मोशन में हमारी बॉडी है उसको रोकने के लिए, रेस्ट की पोजीशन में लाने के लिए। तो आप यहाँ देखिए, अब यहाँ पर पी किसके इक्वल आएगा, हमारा एम इंटू एफ के। मास आपको दिया ही हुआ था, देखिए देखिए बॉडी का, वो तो बदला नहीं है, वो तो सेम ही रहने वाला है। तो ये 15 है, और एक्सेलरेशन आपकी कितनी आई है, 25 आई है। नेगेटिव का साइन नहीं लगाना, सिर्फ ये शो कर रहा है नेगेटिव साइन कि हमारी एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रही है, क्योंकि हमें बॉडी को मोशन से रेस्ट की पोजीशन में लेकर आना है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आ जाएगा, 375 न्यूटन आ जाएगा। ये हमारा इसका सोल्यूशन होगा, यानी कि 375 न्यूटन का फोर्स अगर हम लगाएंगे तो बॉडी जो है वो 2 मिनट के बाद रेस्ट की पोजिशन में आ जाएगी। तो यही हमें यहाँ पर बताना था। Thank you.